हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रैनी के एक और हिंदी गेम प्ले वीडियो में। तो मैंने यहाँ से टेडी बियर को उठा लिया है और आज हम इसी टेडी बियर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो ग्रैनी आ चुकी है। मैंने ज़्यादा शोर तो नहीं किया था, पर फिर भी ग्रैनी आ गई। तो अभी हमको इसके यहाँ से जाने का इंतज़ार करना होगा। तो ग्रैनी जल्दी हटो यहाँ से, बहुत काम बाकी है। तो पता नहीं कि ग्रैनी यहाँ से कब जाएगी, या जाएगी भी या नहीं। नहीं, ये पूरी ज़िंदगी तो यहाँ पर नहीं खड़ी रह सकती, या शायद रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टेडी बेयर की वजह से ग्रैनी ने पक्का मूड बना लिया है हमको पकड़ने का, मेरा मतलब सर पे हेडशॉट मारने का। क्योंकि ग्रैनी यहाँ पर बिल्कुल बिंदास खड़ी है, मैं कोई शोर नहीं कर रहा और ये फिर भी यहाँ से नहीं जा रही। तो मैं कोने में आ चुका हूँ ताकि ग्रैनी चली जाए, और शायद ग्रैनी नहीं नहीं तो ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी, आज ये बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो हमारे साथ ग्रैनी ऐसा बिहेवियर कर रही है कि ये सारा काम धंधा निपटा के आई है और अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, और वो है हमारे सर पे इस बल्ले को मारना। ग्रैनी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जाइए जाके चाय बना के आइए, या खाना ही बना दीजिए, या इस घर की साफ़ सफाई कीजिए, क्योंकि घर काफ़ी गंदा है। तो मैंने टेडी बेयर को फेंक दिया है, तो अब देखते हैं कि क्या इसका कोई असर होगा या नहीं। तो अभी टेडी बेयर को फेंकने के बाद मैं यहाँ पर कोने में आ चुका हूँ, तो शायद अब ग्रैनी चली जाए। तो पता नहीं कि आज ग्रैनी को क्या हो गया, पर तो शायद इसने चलना स्टार्ट कर दिया, तो हम सक्सेसफुल रहे। तो अभी जल्दी से टेडी बेयर को उठा के यहाँ से निकलते हैं। तो ग्रैनी यहाँ पर फिर से आ गई। तो पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, ग्रैनी आप इतनी ज़्यादा उम्र की हो गई हो, अब आपको इस उम्र में टेडी बेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए। नहीं नहीं आपको इस उम्र में नहीं खेलना चाहिए, तो कृपया करके यहाँ से चली जाइए। तो आज ग्रैनी हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, ये बिल्कुल हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। जैसे कि जहाँ भी जाएगी हमको मार के ही जाएगी, उससे पहले ये कहीं नहीं जाने वाली। तो मैंने फिर से टेडी बेयर को नीचे फेंक दिया है ताकि आगे चली जाए। इस बार अगर यहाँ से चली गई तो पहले हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर टेडी बेयर को उठा लेंगे। तो फाइनली सदियों बाद ग्रैनी यहाँ से वापस जा रही है, और अब इसके जाते ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो बस ये सीढ़ियों पर ना छुप के खड़ी हो, वैसे अगर मैं स्टेडी को उठाऊँगा तो ग्रैनी वापस भागी आ जाएगी, तो पहले मुझको ही बाहर निकलना चाहिए। और मैं बाहर आ चुका हूँ, और अब जल्दी से टेडी बेयर को उठा के यहाँ से भागते हैं। अब देखते हैं कि क्या ग्रैनी आएगी या नहीं। और ग्रैनी फिर से भागी भागी आ रही है, पर अब ग्रैनी मुझको नहीं पकड़ पाएगी, तो अभी चलते हैं आगे। तो हम यहाँ तीसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, और मैंने हथौड़े से उस दरवाजे के प्लैंक को तोड़ के वहाँ पे लगा दिया है, जिससे यहाँ पर एक रास्ता बन गया। और अब हमने इस बच्चों के बेड पे टेडी बेयर को रख दिया है, और यहाँ पर आ चुकी है सेलेंड्रीना। वैसे मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पर फिर भी इससे मिलके अच्छा लगा। तो शायद ये वही रीजन था जिसकी वजह से ग्रैनी हमको टेडी बेयर को उठाने नहीं दे रही थी, और ये वापस चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में।